हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको लेके आए हैं बनारस में एक और दिन में सफ़र कराने। और आज हमारे दोस्तों गंगा आरती जो हमने देख ली थी, अब उसके बाद हम लोग गंगा जी का सफ़र करने जा रहे हैं, यानी नाव सफ़र करने जा रहे हैं। तो चलिए नाव में हम लोग अब आपको दिखाते गंगा जी का सफ़र कैसा होता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर नाव का चार्जेस जो है वो मिनिमम आपका एक आदमी का 100 रुपये होता है, और बाकी आपके बार्गेनिंग करने के ऊपर है। और अगर ज़्यादा टीम होती तो लोग कुछ और ज़्यादा लेस भी कर देते हैं, बाकी ये मिनिमम चार्ज जो हमें पता चला अभी वो यही है। फिलहाल अभी हम लोग गंगा जी की ये यात्रा करने जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा बनारस कैसा दिखता है गंगा जी से। दोस्तों हमें ये जो नाव थी ये दशाश्वमेध घाट से मिली थी, और वहाँ से ये नाव हमें पूरा सफ़र करा रही है। और हर घाट यहाँ पे, तो घाट बहुत सारे बनारस में, तो सारे घाट का हम लोग को यहाँ से नज़ारा मिल रहा है। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं कि ये बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर जो मोदी जी ने बनवाया था वो यही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर ये गेट लगा। और इसके जस्ट बगल में आप बता दें कि खास बात, वो घाट है जिस घाट से जिंदगी ख़त्म, जिंदगी का सब कुछ उस घाट से जुड़ा होता है, यानी मणिकर्णिका घाट। दोस्तों ये मणिकर्णिका घाट है यहाँ पर। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शव को जलाया जाता है जब प्राण निकल जाते हैं, तो ये वही घाट है। और ये दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ की एक रोचक जानकारी जो हमें नाव वाला बता रहा था कि ये मणिकर्णिका आखिर क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव एक बार टहल रहे थे, तो उस समय भगवान शिव जी की मणि और माता पार्वती जी का कुंडल गिर गया था, तो इस वजह से इस घाट का नाम रख दिया गया मणिकर्णिका घाट।
चलिए अब आपके आपको दिखाते हैं और भी बनारस के कुछ सीन्स और अगले वीडियो में। नजरी